हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं? चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इसरो, एनएचपीसी, ऑल स्टेट एजेई एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन एजेई कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स हैं आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन एजेई कोर्स को। द रैंकिन साइकिल इज एन आइडल साइकिल फॉर वेपर पावर प्लांट्स बिकॉज, तो ये बताएंगे हमारे पास जी मेरे बच्चे, सेडिमेंट्स के लिए होता है। जल्दी से बता दी बेटा, सी, ग्रेट, शाबाश शाबाश। इट इंक्लूड्स रिवर्सिबल प्रोसेसेस, सब में जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस यूज करते हैं, इसलिए हमारे पास ये आइडल साइकिल हमारे पास वेपर पर आता है। तो आप देखोगे हमारे पास क्या होता है, बॉयलर है, बॉयलर में से पानी, पहले यहाँ पे शुरू कर लो, पंप है, पंप पानी पंप अप करेगा और यहाँ बॉयलर में डालेगा, बॉयलर में हम गर्म करेंगे उसको और गर्म करने के बाद उसका प्रेशर इंक्रीज होगा और उसमें एंथैल्पी इंक्रीज होगा, वो एंथैल्पी टरबाइन के ऊपर हम यूज करते हैं, टरबाइन को घुमा देते हैं, वहां से जो स्टीम निकलेगी उसको कंडेंस करके दोबारा से पानी बना के घुमा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसेस है इसमें से वन से लेके टू ये पंप होता है, पंप में हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यूज करते हैं, टू से लेके थ्री ये हमारे पास बॉयलर वाला है पार्ट जिसमें हम गर्म करते हैं, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस होती है। और यहाँ पे ये देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, टर्बाइन, टर्बाइन भी हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। और यहाँ पे अगेन देखते हैं, यहाँ पे कंडेंसर है, कंडेंसर हमारे पास आइसोबारिक होता है। तो बेटा बच्चा, अगर आपको कुछ भी ना दिमाग में रहे कि यार ये क्या है, ऐसा कैसा होता है, तो आपको सीधी सी बात है, ये देखो टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में जब भी बनाओगे ना, आपको डायग्राम बनाने को आए, सीधी सी बात है बेटा, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, आप कहते हो सर मुझे बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं है, सीधी सी बात है, अगर ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है और नीचे हमने लिखा हुआ एस, तो मतलब यहाँ पे एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है बस। और अगर यहाँ पर एक कर्व बन रही है इस तरह से, अगर एक कर्व बन रही है इस तरह से, कर्व बन रही है, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर दिखाती है बेटा, ये कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइन्स होती है, अगर आप देखोगे ये कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइन बहुत सारी होती है हमारे पास, तो ये हमारे पास इस तरह से चलती है, ये इस तरह से चलती है। तो इसीलिए कह रहा हूं, जिन्होंने जिन्होंने नहीं करा, मेरे से पढ़ा नहीं है, ये चीजें नहीं पढ़ी, तो पहले पढ़ लो तभी फायदा है आपको। और ये कॉन्स्टेंट, ये एंट्रोपी कॉन्स्टेंट होगी, ये देखो एंट्रोपी कॉन्स्टेंट, तो सीधी लाइन आ गई, एंट्रोपी कॉन्स्टेंट इस तरह से चलेगी, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली लाइन बन जाएगी। ओके, तो ये मैंने लिख भी दिया है, इसमें स्पेशल एक लाइन लिख लो बेटा, स्पेशल कुछ है जो पॉइंट बोलता हूं ना स्पेशल, तो उसको चाहे आप लिख भी लो, अलग कॉपी लगा लो उसके लिए, कुछ भी ऐसा लगा लो ताकि आपको अगर याद कहीं नहीं रहता तो याद रह जाए उसको, ठीक है, स्पेशल पढ़ना उसको ले पढ़ना ही है। रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो हमारे पास 35 से 45% होती है, और कार्नोट हमेशा एफिशिएंसी रैंकिन से ज्यादा देगा, लेकिन वर्क नेट जो होता है वो रैंकिन का ज्यादा होता है कार्नोट से, बस ये याद कर लेना मेरे बच्चे। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दिया है, आप देखोगे हमेशा हम कहते हैं कि कार्नोट की एफिशिएंसी ज्यादा है, लेकिन वर्कडन जब आप देखोगे तो रैंकिन में वर्कडन हमें ज्यादा मिलता है, ठीक है। विनोद, थैंक यू मेरा बच्चा। विनोद देखिए, मेरा किराया कुछ नहीं है मेरा बच्चा, ठीक है, मेरा किराया कुछ नहीं है, आप आपका है कि आप रेगुलर क्लासेस मेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलता है, तभी आपको हमेशा फायदा मिलता ही रहेगा। जो भी बच्चा है वो हमेशा एक याद रखे बेटा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कुछ नहीं है कंसिस्टेंसी है और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी जिंदगी में कामयाब होना है तो कंसिस्टेंट रहो, बस कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, पोल में डाल दूंगा मैं, डोंट वरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, वर्क जो है हमारे पास वो रैंकिन में ज्यादा होता है, जितनी बार इसको पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, और एफिशिएंसी कार्नोट में ज्यादा होती है, कार्नोट की वैसे तो एफिशिएंसी हमें पता है हमेशा के लिए, कार्नोट की एफिशिएंसी तो किसी भी चीज से आप ज्यादा करें, हमारे पास कार्नोट हमेशा ही ज्यादा रहती है,
किसी और की एफिशिएंसी ज्यादा हो ही नहीं सकती, सबकी ये रैंकाइन क्या आप है लिख दो, एनी साइकिल, कोई भी साइकिल आ जाए उसकी एफिशिएंसी कम ही रहेगी, लेकिन हमारे पास जो वर्क है, वर्क नेट हमारे पास, वो रैंकाइन में ज्यादा निकलता है, रैंकाइन में ज्यादा निकलता है, और ये हमारे पास क्या होगा, रैंकाइन का ज्यादा और हमारे पास कारनोट का कम, कारनोट वाला कम होगा, वर्क नेट की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने करवाया हुआ है आपको, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। अ कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर अ टू डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो इज गिवन बाय, तो ये बता दीजिए, लीजिए बेटा पोल, पोल आप करने वाले बनो बेटा, ठीक है, पोल के अगर आप आंसर देखो तो मुझे तो बड़ा अच्छा है, तो इनको ऐप डेवलपर को बोला हुआ है कि ये ऑप्शन वाला, ये जो है ना एबीसीडी वाला, ये सीधे सीधा आना चाहिए, मैंने तो बोल रखा उनको। हाँ जी बेटा, देखो आइडल साइकिल तो सारे हैं, देखो मेरे बच्चे आइडल साइकिल तो सारे हैं, लेकिन कारनोट क्या था कि कारनोट कहता है मैक्सिमम क्या हो सकती है एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये कर लो वो कर लो वो हो जाएगा वो कर लो, लेकिन आखिर में एफिशिएंसी सबसे ज्यादा करने के लिए कारनोट की बात माननी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी। ओके मेरे बच्चे, तो इसमें आप क्या आंसर दे रहे हैं, सी, सी वाले ऑप्शन वाले ज्यादा है, शाबाश। सो सी इज द राइट आंसर बेटा, तो हम देखेंगे तो सी इज द राइट आंसर, तो ये आपको करवाया हुआ है टू डायमेंशन के लिए, हमने ये करा हुआ है। ओके चलो आगे चलो, अ सिंगल स्टेज इंपल्स टर्बाइन इज आल्सो नोन एज, ये क्या है ये बताएं, और बेटा धीरे धीरे मैं आपको जो एमसीक्यू है वो बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है, तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं एमसीक्यू को वो जरूर करें बेटा, और लाइव जरूर आए मेरे बच्चा, ऐसे फायदा नहीं है मैं अकेला क्या करूंगा, ठीक है, बोलता रहूंगा, फायदा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आए मेरे पास। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो डी लेवल टर्बाइन हमारे पास इस राइट आंसर है, डी लेवल टर्बाइन, सो डी लेवल टर्बाइन इसका राइट आंसर है। तो सिंगल स्टेज है हमारे पास, सिंगल स्टेज है, इसमें हमारे पास एक नोजल होता है और रोटर ब्लेड होता है, बस और कुछ नहीं होता, तो इसमें और ज्यादा चीजें हम नहीं डालते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने जो नोट करना है वो देख लीजिए, सिंगल सेट ऑफ नोजल है, सिंगल सेट ऑफ नोजल एंड मूविंग ब्लेड, बस ये होता है इसमें। देयरफॉर द टोटल प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर टू द कंडेंसर टेक्स प्लेस इन सिंगल, व्हिच गिव्स हाई रोटेशन स्पीड एक्सीडिंग द प्रेशर लिमिट 3000 आरपीएम, तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है बेटा इसकी, 3000 आरपीएम इसकी स्पीड हो जाती है, रोटेशनल स्पीड इसकी हो जाती है। दिस टर्बाइन आर मोस्टली यूज्ड इन स्मॉल पावर, पावर एंड हाई स्पीड पर्पस, देखिए ये कहां यूज करते हैं, स्मॉल पावर, पावर हमारे पास कम हो जाती है, लेकिन हमारे पास जहां पे स्पीड हमें हाई चाहिए, हाई स्पीड पर्पस होता है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। ओके मेरे बच्चा, तो ये हम इस तरह से सिंगल वाला यूज करते हैं। इसके अलावा आप याद कर लो, सिंगल इंपल्स टर्बाइन तो हमने याद कर लिया, ये वाला डी लेवल है, इसके अलावा वेलोसिटी कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन वो कर्टिस टर्बाइन होती है, प्रेशर कंपाउंडेड इंपल्स टर्बाइन रेटिडियो टर्बाइन होती है, 50% रिएक्शन टर्बाइन को पार्सन टर्बाइन बोलते हैं और 100% रिएक्शन टर्बाइन को हीरोज टर्बाइन बोलते हैं। तो ये बहुत ही खास मेरे बच्चा, ये बातें जो है वो बहुत ही खास हैं, इसलिए मैं आपको बार बार करवा रहा हूं, ठीक है, इसको लिख लो, अगर किसी ने कुछ इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए बच्चे, ठीक है, इसको लिख लीजिए, आप आगे चलते हैं। ये हो गया, तो ये नाम है, नाम है, इसके नाम से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है इसमें से, किसी भी एक में से मिल सकता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलेवेंट, तो इसमें बताइए मेरे बच्चे, इसमें भी आपको पोल दे देता हूं, तो रेलेवेंट बताना है इसमें, करेक्ट बताना है, मतलब ज्यादा रेलेवेंस कौन सा है, ज्यादा अच्छा इसमें से आंसर कौन सा है, तो ये आपको बताना बेटा। ओके सो जी मेरे बच्चा, तो जो आंसर कौन से ज्यादा दे रहे हैं, बी वाले, विनोद दो बार आंसर मत दिया करो बेटा, है ना, विनोद ने कितने बार, दो बार आंसर, गलत अलग अलग मत दिए, आंसर एक ही दीजिए। तो इसमें ये है मेरे बच्चा, लैंगेरियन अप्रोच जो है, फ्लूइड पार्टिकल
जो है उसमें क्या कहता है, अ फ्लूइड पार्टिकल ऑफ फिक्स्ड मास इज कंसीडर्ड। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो ये होता क्या है मेरा बच्चा, ये क्या है, ये एक थ्योरी है, लैंगेरियन थ्योरी और यूलेरियन थ्योरी है। तो आप देखोगे लैंगेरियन थ्योरी जो है हमारे पास, उसमें हम इंडिविजुअल पार्टिकल, लैंगेरियन जो है उसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल, एक एक पार्टिकल के ऊपर ध्यान रखते हैं ऐसे लैंगेरियन थ्योरी के ऊपर। लेकिन यूलेरियन जो है उसमें हम एक एक पार्टिकल को नहीं देखते हैं। तो इसमें मेन बात जो है यही है, इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजें इसमें पूछता नहीं है। और ये यूलेरियन जो है तो उसमें यूलेरियन में देखेंगे तो इलेरियन बोल देते हैं इसको, यूलेरियन बोलते हैं। इसमें कंट्रोल वॉल्यूम डिफाइंड, एक वॉल्यूम लेंगे कंट्रोल वॉल्यूम, उसके ऊपर करेंगे हम फोकस। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें से जो लिखनी है आपको, ये वैसे तो मैं आपको देखूं जब आपको पीडीएफ दूंगा इसको सारे को पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा सब कुछ भी छोड़ो इसमें से, लेकिन फिर भी जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। आप देखिए देखो इधर हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक लाइन थी, ये ट्रिगर यहाँ पे एक लाइन है, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ ये रहा, यूलेरियन डिस्क्रिप्शन इज यूजली प्रेफर्ड, तो प्रेफर ये करी जाती है, यूलेरियन वाली जो है वो ज्यादा प्रेफर की जाती है, ठीक है। हमारे पास लैंगेरियन थ्योरी जो है वो एक्चुअल में नहीं यूज करती, बहुत ही कम जगह पर उसको यूज किया जाता है लैंगेरियन वाले। क्यों? क्योंकि एक एक पार्टिकल के ऊपर ध्यान रखना, एक एक पार्टिकल के ऊपर ध्यान रखना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं यूलेरियन थ्योरी को यूज करते हैं। अगर कोई पूछता है तो हम बता सकते हैं कि भाई साहब ये वाली थ्योरी जो है वो ज्यादा बेटर मानी जाती है एक्चुअल में, एक्चुअल में, ओके। आगे चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ टर्बाइन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसका बता दीजिए बेटा। आंसर तो एक ही दिए हैं, ओके सॉरी सॉरी, वो विनोद मैंने 10th और 11th दो देख लिए मैंने। चलो आगे चलिए बेटा, इसका बताइए। ट्वेल्थ का राइट आंसर बताइए बेटा जल्दी से। ट्वेल्थ का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है, डेफिनेशन। टर्बाइन इज अ फ्लूइड मशीन, इट इज अ डिवाइस इन विच द काइनेटिक एनर्जी हेल्ड बाय फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी, या इट इज अ डिवाइस फॉर पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड, या हमारे पास क्या है, इट इज अ डिवाइस फॉर द मैकेनिकल एनर्जी मूविंग पार्ट ट्रांसफर थ्रू द फ्लूइड। इसका राइट आंसर क्या होगा? सो बी इज द राइट आंसर, ओके ग्रेट। तो बी इज द राइट आंसर बेटा, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, वो कन्वर्ट की जाती है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, ओके। तो इसका अलावा हम देखें बेटा, हमने जो याद करना है जो चीज है वो देख लीजिए हमारे पास। तो हमने ये डेफिनेशन तो पढ़ ली है, इसके अलावा यहाँ पे आ जाइए, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, हाई हेड होगा 50 मीटर से ज्यादा होगा तो उसमें पेल्टन और टर्बो आएगा, और हमारे पास मीडियम होगा 10 से लेके 50 होगा तो उसमें क्रॉस फ्लो मल्टीजेट और पेल्टन ये सभी आएंगे, या इसमें फ्रांसिस टर्बाइन आ जाती है, रिएक्शन वाली फ्रांसिस आती है, इंपल्स वाली क्रॉस फ्लो मल्टीजेट और पेल्टन आ जाती है, और लो हेड वाली क्रॉस फ्लो अंडरशॉट और वाटर व्हील, और यहाँ पे ओवरशॉट वाटर व्हील और आर्कमिडीज स्क्रू, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो मेरे बच्चा ये हाई हेड और लो हेड की बातें कर रहे हैं, लो हेड वाली बातें कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है, लो हेड वाली। तो हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, सो इतना ज्यादा मैं इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। हाँ ये अच्छी बात है, ये आप लिख लीजिए, इसमें ये बातें कुछ अच्छी हैं, ये देखिए। नोजल क्या है, इज अ डिवाइस ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन यूज टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी, कि हम इसमें इंक्रीज करते हैं काइनेटिक एनर्जी को और प्रेशर एनर्जी को कम कर देते हैं। डिफ्यूजर क्या है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू वेरिएबल क्रॉस सेक्शन यूज टू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास दो होती है बेटा शेप, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, इस तरह से जो हम देखते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह हम दिखाते हैं कि ये नोजल की शेप हम बना लेते हैं, और जब हमारे पास उल्टा कर दें, ये क्या है नोजल, मतलब ये इन है, यहां से इन होती है और यहां से आउट, ये नोजल है बेटा, इसका उल्टा कर दें तो हमारे पास क्या बनता है, डिफ्यूजर बन जाता है, जहां पे हमारे पास ये शेप उल्टा घूम जाती है, ओके। तो ये होता है,
In the context of aircraft refrigeration cycle, what is the temperature of air at the exit of cooling turbine in the absence of moisture condensation? तो ये मेरे पास ये आपने पढ़ा नहीं हुआ, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं हुआ। ये कौन सा है, ये देखें, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात कर रहा बेटा। जल्दी से किसी को आता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा बेटा। एनीवन, किसी को कुछ पता है इसके बारे में? जी बच्चे, ओके ग्रेट, तो आप अलग अलग आंसर दे रहे हैं। चलो तो इसमें क्या है, देखिए बेटा बच्चा, 13 का जो है वो है ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, DART, ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर। तो ये क्या है ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर, ये मेरा बच्चा होता क्या है, पहली बात तो सुनो, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल है, मतलब हमने जो कैबिन में लोग बैठे हैं उन्होंने साफ हवा चाहिए उनको, तो भाई जो हवा जैसी चाहिए उनको तो वो चाहिए, तो वो उसको देने के लिए हम क्या करते हैं, ये पूरा मैकेनिज्म बनाते हैं। और यहां से जब एयर जाती है तो एयर हमारे पास यहां से जाएगी और कैबिन की ओर जाएगी, तो यहां से जो कहता है एयर निकलती है वो कैसी होनी चाहिए, वो ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर वाली होनी चाहिए। ओके, तो ये ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर क्या है, ये देखिए, कंसेप्ट ऑफ ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर यूज टू कंपेयर डिफरेंट एयर रेफ्रिजरेंट साइकिल। तो हाँ, अलग अलग रेफ्रिजरेंट साइकिल को हमने कंपेयर करने के लिए इसको बना रखा है। ओके, इसको ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर को इसको बना रखा है, तो ये डार्ट बोल देते हैं इसको, DART, ठीक है, वो हमारे पास होता है डार्ट, तो इसको कभी भी याद कर लीजिए, हमें डार्ट के नाम से याद करना है, DART। और ये बहुत ज्यादा इसको आगे घुसने की जरूरत नहीं है, जो लिखा हुआ है बस उतना सा पढ़ लेना, ठीक है, DART। ओके बच्चे, चले आगे, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 14 देखिए बेटा, 14 का आंसर बताइए, फैंस एंड ब्लोअर्स ऑफ टर्बो मशीन, ऑफ ये क्या है, उसमें ABCD ऑप्शन है आपके पास, तो वो बताइए बेटा 14 का, 14A, 14B, 14C, 14D, तो वो आप बताएंगे बच्चे, बी, जल्दी से ABCD जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो बता दीजिए। जी ओके ग्रेट बेटा, SSC के द्वारा जितने भी अब तक हुए हैं पेपर वो सारे के सारे हम कर लेंगे, हम सारे के सारे कर लेंगे, तो कहीं कुछ रह ना जाए, इसलिए 2 महीने जो है वो डट कर MCQ करो, ठीक है, कुछ भी रहता है, देखो जो टॉपिक मैंने करवा रखा है वो ठीक है, जो नहीं करवाया उसके बारे में चर्चा करना ज्यादा आवश्यकता है उसकी, ठीक है। सी इज द राइट आंसर बेटा, डिलीवर एयर एट हायर डिजायर वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी बढ़ाने के लिए हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होते हैं, जैसे ब्लोअर होते हैं हमारे पास, ब्लोअर आप समझते हैं, जब हम इवन जब सर्दी के दिनों में हम कहते हैं कि ब्लोअर खरीद के लाना है हमने, तो वो भी हमारे पास जो होता है वो एयर को सक करता है और गर्म करके बाहर फेंकता है, ठीक है, होल्ड ऑन बेटा। ओके, तो ये बहुत ही कम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बहुत ही कम, मतलब प्रेशर तो है ही नहीं, प्रेशर राइज की बातें इसमें होती नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास हायर वेलोसिटी के लिए होती है, डिजायर्ड हायर वेलोसिटी के लिए होती है और हाई मास फ्लो रेट के लिए होती है, लेकिन इसमें प्रेशर राइज अक्रॉस अ फैन इज एक्सट्रीमली लो, बहुत ही कम, कितना, 250 mm ऑफ वाटर गेज, बहुत ही कम है भाई, 250 mm ऑफ वाटर गेज बहुत ही कम होता है, तो ये इतना सा प्रेशर वो राइज करते हैं, बहुत ही कम करते हैं बेटा। ओके, तो हमारे पास राइज इन स्टैटिक प्रेशर अक्रॉस अ ब्लोअर इज रिलेटिवली हायर एंड इज मोर देन 100 mm ऑफ वाटर गेज दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द प्रेशर लॉसेस, ये बहुत ज्यादा अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, इतना बहुत है, हमें इतना पढ़ने की जरूरत है इसमें से।
आगे आ जाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए बेटा, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर जो होते हैं टिपिकली ऑपरेट अगेंस्ट द प्रेशर 0.35 से लेके 0.70 ग्राम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और मेरा बच्चा आप इसमें जरूर एक चीज याद रखना, एमसीक्यू की एक बहुत खास बात होती है, एमसीक्यू अगर कभी भी आपने पढ़ा है ना, कहीं कहीं पे भी कोई वैल्यू पढ़ी है, एमसीक्यू पढ़ा है, पता नहीं क्यों दिमाग में बैठता है वो, मुझे नहीं पता क्या होता है, जिसमें जिसने एक बार सुना भी है ना, सुना होगा तो भी कहीं ना कहीं आपको ये फायदा मिलेगा जब आपके एग्जाम में आ जाए और आपने उसकी प्रैक्टिस कभी ना कभी की थी, तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर 100% नहीं पता होगा लेकिन आइडिया होगा कि इसके बारे में सुना हुआ है तो ये लगा दे और वो सही भी हो जाता है आंसर। ओके, तो ये मेरे पास दे आर मोस्ट यूज्ड ऑफन यूज्ड इन द एप्लीकेशन दैट आर नॉट प्रोन टू क्लॉगिंग। और जहां पे कहता है कि क्लॉगिंग ना हो, मतलब जहां पे मिट्टी कचरा ना फंस जाए, तो वहां पर हम लगाते हैं। और इवन देखना आप, पता नहीं आपने इस चीज का देखा है, यानी ब्लोअर जो होता है, जब हम सर्दी में ब्लोअर यूज करते हैं तो उसका इवन फैन की फैन होता है, फैन जो हवा खींचता है साथ में मिट्टी खींच लेता है, और धीरे धीरे वो फंस फंस के मिट्टी फंस जाती है, क्लॉगिंग हो जाती है और वो खत्म हो जाते हैं, तो लेकिन उसको बचाना पड़ता है क्लॉगिंग को। ओके, तो एक होते बेटा ये होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, ये होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर अलग होते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर अलग होते हैं, स्पेशली सूटेबल फॉर द प्रोन टू क्लॉगिंग। तो ये हमारे पास है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जहां पर हम कहते हैं कि यहाँ तो क्लॉगिंग होगी होगी, रोक ही नहीं सकते, तो वहां पे हम इनको यूज करते हैं। ओके, आगे चलिए मेरे बच्चा, 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंट्रल पंप इज वाइटल। तो ये बता दीजिए, ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी सी डी, आप ऑप्शन है आपके पास है और जल्दी से आप इसका आंसर दे देंगे। ओके, जल्दी से इसका आंसर दो बेटा। ग्रेट, शाबाश 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 शाबाश। देर विल बी नो वर्ल कॉम्पोनेंट, देर विल बी नो वर्ल कॉम्पोनेंट। तो वर्ल कॉम्पोनेंट कौन सा होता है, जब आप देखोगे हम जब ये वेलोसिटी ट्रायंगल जब हम बनाते हैं बेटा, ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं तो इसमें हमारे पास वर्ल कॉम्पोनेंट की बातें नहीं करते, वर्ल कॉम्पोनेंट की बातें इनलेट में नहीं करते, ये बताएंगे ना, देखो एट द इनलेट एंट्री ऑफ द इंपेलर, इंपेलर की एंट्री पे हमारे पास यहाँ पे वर्ल कॉम्पोनेंट नहीं आता, तो इसलिए हम क्या कह देते हैं इसमें कि हमारे पास वर्ल कॉम्पोनेंट नहीं आता इसके अंदर। ओके मेरे बच्चा, तो ये हम इसके बारे में समझा हुआ है हमने। फॉर अ सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक ऑयल इंजन इंडिकेटेड पावर इज 15 किलोवाट। तो IHP दे रखा बेटा, IP मतलब इंडिकेटेड पावर दे रखा है 15 किलोवाट, किलो मतलब 10³ वाट। कैलोरीफिक वैल्यू सीवी दे रखी, कैलोरीफिक वैल्यू 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, तो ये दे रखी है बेटा। और फ्यूल कंज्यूम जो है, फ्यूल कितना लग रहा है, मास ऑफ फ्यूल, तो इसको लिख लेंगे बच्चा, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल वो हमारे पास कितना है 0.001 किलोग्राम पर सेकेंड। तो अब बताइए व्हाट विल द थर्मल इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी बतानी है इंडिकेटेड, इंडिकेटेड, तो जिसको इसका फॉर्मूला पता है वो इसको झट से कर देगा और जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो नहीं कर सकता इसको, तो ये आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी बच्चे, सर इसमें टाइम मैनेजमेंट हो रहा है, टाइम मैनेज बेटा देखिए मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मैनेज तो सीधी सी बात है, वो इसी तरह से क्वेश्चन देते हैं कि टाइम मैनेज हो जाए आपको, अगर 50% अगर आएंगे ऐसे क्वेश्चन जो जल्दी हो जाए, और 50% होंगे जो लॉन्ग होंगे, उसमें आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। टॉम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, सब कुछ आएगा बेटा, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास, अगर आप SS, देखो
बहुत पढ़ना का कोई लिमिट नहीं है, पढ़ने की कोई लिमिट तो है नहीं, कितना पढ़ना है अंत नहीं है, जितना मर्जी पढ़ते रहो, लेकिन जो जो रिक्वायर्ड है वो अगर हम देखते रहे कि आप देखते रहो ये किस किस में से क्वेश्चन आए हैं, जैसे आईसी इंजन की बातें करता है, अभी तक ज्यादा किस में से आया, फ्लूइड में से आया, थर्मल में से आया, आईसी इंजन में आया, बाकी में से आई नहीं रहा जब, तो हम ऐसी पागलों की तरह पढ़ते रहे। अब मशीन डिजाइन पागलों की तरह लगे रहो, फॉर्मूले इतने ज्यादा है, लेकिन उसमें से अगर एक क्वेश्चन आए और उसकी जगह पर अगर आप आईसी इंजन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो, पावर प्लांट और पागलों की तरह उसके क्वेश्चन करो, एमसीक्यू धड़ाधड़ उसके करो, वो ज्यादा फायदेमंद है, ना कि वो मटेरियल साइंस में घुसे रहो और उसमें मशीन डिजाइन में घुसे रहो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल, तो हम क्या करेंगे, इंडिकेटेड पावर अपॉन मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5% आता है, 37.5% आता है। तो सिंपल सा अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो इंडिकेटेड पावर है और नीचे क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये अगर फॉर्मूला पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये बताइए बेटा। सेवनटीन का बताइए से जल्दी से, और एक और बात बताना बेटा, आप में से किसकी किनों ने ये पहले कर रखे हैं क्वेश्चन, आप में से किसी ने पहले ये क्वेश्चन कर रखे हैं, क्योंकि अगर आपने एसएससी के पुराने पेपर देखे हुए हैं तो काफी चांसेस होंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपने पहले देख रखे हो। हाँ जी बेटा, किसी ने देख रखा है क्या ये क्वेश्चन, सी सी इज द राइट आंसर बेटा, सी इज द राइट आंसर। मैंने, हाँ विनोद ने कर रखे हैं, हाँ विनोद आपने कर रखे हैं, मुझे आंसर से पता लग जाता है कि आपने कर रखे हैं ये पहले। देखिए बेटा, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अलग अलग ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, तो इसमें हमने एक अजम्पशन लेके चलते बेटा, अजम्पशन जो होते हैं हमारे पास उसके जरूरी है। अजम्पशन में हम देखते हैं कि हम जब ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल बाकी करते हैं तो इसमें कोई भी इन और आउट नहीं होता, कि हम मानते नहीं कि ये सक्शन हुआ, एग्जॉस्ट हुई ना। आइडल साइकिल में हम सीधा सीधा प्रोसेस लेते हैं, इन और आउट की बातें तो करते ही नहीं है। ठीक है, और इसमें जो स्पेशल बातें हैं वो बताता हूं बेटा आपको, एक बार पढ़ लो इसको, कभी ना कभी आपको काम आ जाएगा। द वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल इज एयर, तो इसमें तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं, हम इसको आइडल एयर स्टैंडर्ड साइकिल कहते हैं। पिछली बार के क्वेश्चन थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा रखे हैं, ओके। आगे देखो, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस आर टेकन एज फ्रिक्शनलेस एंड एडियाबेटिक, रिवर्सिबल है और कोई भी हीट इसमें लॉस नहीं हो रहा। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज टेकन एज कॉन्स्टेंट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी इसमें हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है। कंबस्टन प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय द वेल डिफाइंड हीट एडिशन प्रोसेसेस, कंबस्टन प्रोसेस नहीं लगा रहे हम, तो बस हीट ऐड कर रहे हैं, ओके। और एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय द हीट रिजेक्शन, एग्जॉस्ट जो है उसकी जगह पे हम हीट रिलीज कर रहे हैं। सिंस द गैस इज अज्यूम्ड एज आइडल, the specific heat at the constant volume and pressure are taken as constant, तो हम इसमें specific heat और ये सब कुछ ये constant volume लिए ले रहे हैं, constant ले रहे हैं, तो इसमें there is no intake and exhaust processes, ना intake है ना exhaust है। तो ये बेटा बेटा assumption तो पता नहीं क्यों, assumption में से ये question आप देखोगे जरूर। सर मुझे problematic में हो रही है, वहां टाइम ज्यादा बहुत ज्यादा जा रहा है, जाएगा बेटा कोई बात नहीं। और एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अपने आप को कभी कम न समझना, क्योंकि बेटा आप अगर कुछ गलतियां करोगे, देखो मैं आप में से, मैं आपको जितने भी बच्चे लाइव हैं मेरी बात सुनो, हर कोई गलती करता है,
पहली बात ये जैसे इनकरेक्ट है या करेक्ट था, ये वो जल्दी स्पीड में गलत कर गया, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सभी के साथ होता है। और जो क्वेश्चन कई बार बहुत मुश्किल होता है वो सबके लिए मुश्किल होता है, ये याद रखना। कई बार आपको तो क्वेश्चन पेपर मुझे पढ़ा मुश्किल लगा, आपको अकेले को मुश्किल नहीं लगता, सारे दुनिया को मुश्किल लगता है फिर तो, अगर आपकी तैयारी है तब, अगर आप पढ़ के ही नहीं गए फिर अलग बात है। और अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है वो इसीलिए दिया है ताकि आपको टाइम लगे, तो आपको पहले पहले क्या करना है, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जिसको टाइम कम लग रहा है, जल्दी से कर लो, उसके बाद प्रॉब्लमेटिक जो हो। और इवन एक और बताता हूं, किसी क्वेश्चन पे अगर आप फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं सामने टाइमर, अगर मेरे पास घड़ी जरूर होनी चाहिए, आपके पास वॉच जरूर होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे टाइम लग गया 30 सेकंड या 40 सेकंड हो गए मेरे से नहीं हो रहा, तो भाई उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अड़ जाते हैं कि इसको तो करना ही है। एक प्रॉब्लम यहां भी आ जाती है, हम कहते हैं पहले तो मैंने 1 मिनट तो लगा ही दिया, अब थोड़ा सा टाइम और कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही जाऊंगा। ये अपनी इज्जत पे आ जाती है कि यार ये मेरे से हो नहीं रहा, मैं करके रहूंगा, उसको पता लगे 5 मिनट लगा दिए। तो हमें देखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट तो अपने हिसाब से देखना ही पड़ेगा। ओके, आगे चलिए। व्हाट इज द डायरेक्टेंट, ये तो आसान है बेटा, ये क्वेश्चन आसान है तो जल्दी से कर देंगे आप, मुझे पता है। आप जल्दी से कर दीजिए बेटा। ओके बेटा, सबने आंसर अलग अलग दे दिए क्या, सबने आंसर अलग? तो बेटा थिकनिंग फ्लूड हमारे पास क्या होता है, शेयर थिकनिंग फ्लूड। जैसे हम देखो बेटा डाल्टन फ्लूड कौन सा होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, जब हम कहते हैं ना नॉन न्यूटोनियन फ्लूड, तो ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूड आ जाते हैं बेटा। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूड जो है हमारे पास, उसमें हम बातें करते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। अच्छा जल्दी से कर लो इसको, डाल्टन फ्लूड। तो थिकनिंग फ्लूड मतलब, थिकनिंग फ्लूड का मतलब क्या है कि हम जब फोर्स लगाएंगे तो वो थिक होगा, फोर्स लगाने से उसकी जो हमारे पास विस्कोसिटी है वो बढ़ती है, तो थिकनिंग फ्लूड होता है बेटा, डाल्टन फ्लूड उसको कहते हैं। अगर आपने ये वीडियो कभी सर्च करी है तो ये देखोगे आपके पास फ्लूड जो होता है उसके ऊपर आप भागोगे ना, जोर से पांव मारोगे तो आपको ये ऐसे लगेगा फ्लूड बहुत हार्ड है, लेकिन इसी में आराम से पैर रखोगे तो पैर ये दब जाएगा। तो ये हमारे पास अलग अलग चार्ट है बेटा, आपको याद हो, ये न्यूटोनियन फ्लूड है हमारे पास, ये शियर थिनिंग फ्लूड है, थिक्सोट्रॉपिक है, और यहाँ पे शियर थिकनिंग फ्लूड है, और ये हमारे पास अलग अलग आ जाते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये अलग अलग आ जाते हैं हमारे पास। बॉयलर इन रैंकाइन साइकिल आर यूज, तो ये तो आसान है, ये तो आसान आ गया। कुछ क्वेश्चन आसान भी होते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं। जल्दी से लिख दो अगर आपको पता है आंसर तो। ओके, स्टीम जनरेशन, जी मेरे बच्चा, तो ये आसान है, स्टीम जनरेशन के लिए है। लास्ट देखिए क्वेश्चन, एक 20th क्वेश्चन है, 20वां। गैस इंजन वर्किंग ऑन एट ऑटो साइकिल एज अ क्लीनेस्ट वॉल्यूम 10% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, देन कंप्रेशन रेशियो वैल्यू इज, तो ये बता दीजिए बेटा, ये बता दीजिए आप, जो कर सकता है वो तो कर दीजिए बेटा। 20th,
ठीक है, तो क्लीयरेंस कंप्रेशन रेशो आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर सीधी सी बात है बेटा, हमारे पास कंप्रेशन रेशो की बात करते हैं तो हमारे पास कंप्रेशन रेशो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम हम देखते हैं हमारे पास, तो वी एस अपॉन वी सी, मतलब हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम, तो इसको देखना होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास गिवन है बेटा, कम जो हमारे पास क्लीयरेंस वॉल्यूम है 10% ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम है, तो हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम का ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो 10 इंटू वी सी इज इक्वल टू वी एस, बस ये पुट करना, तो 11 इज द राइट आंसर। सो 11 किसका आ रहा है, 11 किसी का आ रहा है क्या, 11 डी, डी इज द राइट आंसर। विनोद गलत कर दिया क्या, विनोद नहीं, 20 आपने 20वें का नहीं दिया ना आपने आंसर, 20वें का, 20 का डी हमारे पास आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एमसीक्यू से हमने शुरुआत की है, इसी तरह से हम एमसीक्यू डेली करेंगे बेटा, डेली हम एमसीक्यू के साथ आपके साथ आएंगे, 2 महीने यही चलने वाला है। आप में से जिसको भी किसी को ओके, तो जिसमें किसी को कोई डाउट है मेरे से आप पूछ सकते हैं ओके। तो मेरे बच्चा आपको मैं बार बार कहता हूं, आप जिसने भी लेट ज्वाइन किया है वो पहले अपना ये जरूर करें क्वेश्चन, पहले अपनी वीडियोस खत्म करें, नहीं तो फायदा नहीं है। ठीक है, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर 2 महीनों में तैयारी होती है, तो 2 महीनों में कोई तैयारी नहीं होती। ठीक है, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 2 महीनों में मैं तैयारी कर लूंगा, ठीक है ऐसे नहीं होता बेटा, कुछ चीज को टाइम लगता है। अगर आप कहोगे सर मैं कोई खाना बनना है, मान लीजिए आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने में जो टाइम लगना लगना बेटा, आप कहोगे नहीं सर मैं 1 मिनट में खाना बना दूं, जैसे 2 मिनट में कहते हैं मैगी बन जाती है, मैगी 2 मिनट में नहीं बनती है, झूठ होता है ये, तो टाइम तो लगता है हर चीज को। ठीक है, ये वाली क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा, ये 100% बेटा जो भी वीडियो होती है, जो भी वीडियोस होती है सारी रिकॉर्ड हो रही है, और ये आपको कंटेंट फोल्डर में मिलेगी, कंटेंट देखोगे आप कोर्स में जाओगे कंटेंट में वहां पे मिलेगी। अंकुश सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अंकुश सर देखते हैं बेटा, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया है तो, और देखते हैं सर को, वो देखते हैं सर को कौन सा कर्म करवाते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, कल। हेलो दोस्तों, क्या आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं और पाना चाहते हैं सरकारी नौकरी, या किसी प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, SSC JEE, RRB JEE, ISRO, NHPC, ऑल स्टेट AEJEE एग्जाम के लिए सबके लिए एक ही कोर्स काफी है, ऑल इन वन AEJEE कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, PDF नोट्स, टेस्ट, जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। इसके अलावा आपको जो भी डाउट्स है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, तो देर ना करें, आज ही ज्वाइन करें ऑल इन वन AEJEE कोर्स को।